मूवी एक चैंपियन बॉक्सर की है जो अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा था। उसकी बीबी और दो बच्चे भी हैं। वो और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। प्रॉब्लम जब शुरू हो जाती है जब वो एक यंग बॉक्सर गर्ल से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधे मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक साउथ अमेरिकन चैंपियन बॉक्सर रेमन को दिखाते हुए। उसकी ये आखिरी फाइट थी क्योंकि एज बढ़ने के कारण वो इस मैच के बाद रिटायरमेंट लेने वाला था। उसका सामना था एक यंग पावरफुल बॉक्सर से। इस मैच में उसे काफी परेशानी आ रही थी। वो अपने अपोनेंट से पंच पे पंच रिसीव कर रहा था, पर एक्सपीरियंस प्लेयर होने के कारण वो मौका ढूंढकर अपने अपोनेंट को ऐसा पंच मारता है कि उसे एक बार में ही नॉकआउट कर देता है। हर बार की तरह वो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत चुका था। मैच के बाद शाम को वो अपनी जीत अपने बच्चों, बीवी और लोगों के साथ सेलिब्रेट करता है। खुशी खुशी में रेमन बहुत ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ करीना के साथ डांस करता है। क्योंकि रेमन एक बहुत फेमस और सक्सेसफुल बॉक्सर था तो उसकी वाइफ बहुत प्राउड फील करती थी, पर कहीं ना कहीं उसे उसका फाइट करना पसंद नहीं था। रेमन बॉक्सिंग से रिटायर्ड हो चुका था। नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और एक अच्छे पापा की तरह अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आता है। करीना रेमन के साथ अब एक शॉप ओपन करना चाहती थी, जिसके लिए लोन लेने के लिए उसने एक बैंक का आदमी बुलाया था, पर रेमन इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। मीटिंग के बाद रेमन सीधे अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाता है, जहाँ स्किपिंग करते करते वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है। वो उसे देखते ही उसकी तरफ आकर्षित महसूस करता है। रेमन अपने ट्रेनर से उस लड़की के बारे में पूछता है, तो ट्रेनर उसे बताता है कि ये यहाँ पर न्यू है और इसका नाम डेबरा है। ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद वो लड़की ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलती है तो रेमन उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। डेबरा नोटिस कर लेती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो वो उस पर अटैक करती है। जब वो देखती है कि ये तो फेमस बॉक्सर रेमन है, वो उससे माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे। रेमन कहता है कि नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। रेमन पूछता है कि अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डेबरा मना कर देती है। उसके बाद रेमन डेबरा को ट्रेनिंग सेंटर में देखता रहता था। ये सब डेबरा नोटिस करती रहती थी। एक दिन जब रेमन ट्रेनिंग सेंटर के वॉशरूम में शावर ले रहा होता है तो डेबरा पीछे से आ जाती है और वो दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद वो दोनों डेबरा के घर जाते हैं। डेबरा रेमन से क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि तुमको मुझ में क्या पसंद है। रेमन कहता है, मुझे तुम पूरी की पूरी पसंद हो। काफ़ी वक्त साथ में बिताने के बावजूद डेबरा रेमन से रुकने के लिए बोलती है, लेकिन रेमन वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से वो कहती है चलो मेरे साथ फाइट करो। पहले तो रेमन उसे मजाक में ले लेता है, लेकिन डेबरा उसे सीरियसली पंच करने लगती है, जिसके रिफ्लेक्स में रेमन भी उसे एक पंच कर देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन रेमन उसे संभाल लेता है। उसके बाद रेमन डेबरा को उसके वर्किंग प्लेस पर ड्रॉप करता है। रेमन शॉप पर बैठकर सिर्फ कैश रजिस्टर नहीं संभालना चाहता था, वो एक फाइटर था और आगे भी अपनी बॉक्सिंग कंटिन्यू करना चाहता था। इसलिए वो अपने एजेंट के पास जाता है जो उसके मैचेस स्पॉन्सर्ड करता था। रेमन अपने एजेंट से कहता है कि मुझे बॉक्सिंग कंटिन्यू करनी है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्ट लेना चाहता हूँ। पहले तो उसका एजेंट उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन क्योंकि वो खुद भी पैसे कमाना चाहता था तो वो मान जाता है। रेमन आजकल डेबरा के साथ काफ़ी वक्त बिताने लग गया था तो वो रातों रात अपने घर से गायब रहने लगा। करीना उससे पूछती है कि चल क्या रहा है, तुम कहाँ रहते हो। रेमन उससे झूठ बोलकर उसे शांत कर देता है। पर अगली रात भी जब रेमन घर लेट आता है तो करीना अपने बेडरूम का गेट लॉक कर लेती है। इस वजह से रेमन को बाहर काउच पर सोना पड़ता है, पर उसे वहाँ नींद नहीं आती तो वो सीधे डेबरा के घर चला जाता है। जहाँ जब डेबरा घर वापस आती है तो रेमन को अपने बेड पर पाती है। डेबरा रेमन से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बेड पर सोना है तो हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। नेक्स्ट डे जब रेमन अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो ट्रेनर उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे, तुम्हारी वाइफ ने कल रात मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। रेमन इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेनर उसे कहता है कि अब तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। रेमन अब सबके सामने ही डेबरा को फाइटिंग स्किल सिखाता है। ये सब उसके ट्रेनर को पसंद नहीं आती और बहुत अजीब लगता है उसे। थोड़ी देर बाद रेमन का एजेंट वहाँ आता है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक फाइट होने वाली है, पर यह सिर्फ एक चैरिटी शो के लिए होगी और ऑब्वियसली इस फाइट को तुम ही जीतोगे, इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। रेमन इस मैच के लिए हाँ कह देता है। जब रात को वो अपने घर जाता है तब करीना उसे पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ थे। रेमन इस बात को इग्नोर करते हुए उसे पैसे दे देता है। करीना कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, मुझे रिस्पेक्ट शो किया करो। वो रेमन से बहुत डिसअपॉइंटेड होती है और वो गुस्सा करते करते रोने लगती है, जिस पर रेमन उसे गले लगा लेता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद करीना रेमन के गले लगकर बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। कुछ टाइम बाद रेमन के मैच का दिन आता है।
जहाँ उसके अपोनेंट को सिर्फ उसे हल्के हल्के पंच मारने थे, लेकिन वो रेमन को एक्चुअल में हार्ड पंच करने लगता है। सेकंड राउंड में रेमन भी फाइट को सीरियसली लेते हुए पंच करता है और मैच जीत जाता है। हालांकि ये फाइट सिर्फ शोकेस थी, लेकिन उसका अपोनेंट रियल फाइट करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी करीना उसका साथ देने और उसे चेयर अप करने के लिए वहाँ आई हुई थी। उसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान सारी बियर खत्म हो जाती है, तो रेमन बियर लेने के लिए बाहर जाता है। बाहर निकलते ही वो अपने घर के सामने डेबरा को देखता है। रेमन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ तुम नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर डेबरा उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों रेमन के एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक बार फिर से इंटरकोर्स करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डेबरा उस जगह के बारे में उससे पूछती है। रेमन कहता है कि ये मेरे पापा की ट्रेनिंग की जगह है, यहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करते थे। उनकी डेथ के बाद मैंने ये अपनी सीक्रेट जगह बना ली, पर यहाँ तुम आ सकती हो और रह भी सकती हो। रेमन और डेबरा अब साथ में ही रहने लगे थे, ट्रेनिंग एक्सरसाइज वो सब साथ में करते थे। एक रात वो दोनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ रेमन डेबरा के होम टाउन और उससे रिलेटेड बातें पूछता है, जिसका जवाब डेबरा दे देती है। रेमन एक फेमस बॉक्सर का नाम लेता है जो डेबरा के होम टाउन से था। डेबरा उसे बताती है कि वो फेमस बॉक्सर मेरे पापा थे। उस बॉक्सर का मेरी माँ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिस वजह से मैं पैदा हुई। रेमन ने उसके पापा को भी फाइट में हरा रखा था। डेबरा बताती है कि बाद में उसके पापा का करियर बर्बाद हो गया था और पैसों के लिए वो चोरी करने लगी थी, जिस वजह से एक दिन पुलिस एनकाउंटर में उनकी डेथ हो गई। बात करते करते रेमन एक वेट्रेस को वाइन लाने के लिए बोलता है, लेकिन डेबरा को लगता है कि वो उस वेट्रेस को चेकआउट कर रहा है, जिस वजह से उन दोनों में बुरी तरह लड़ाई होने लगती है। डेबरा रेमन को पंच करने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एक दिन रेमन का एजेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि साउथ अमेरिकन बॉक्सर का टूर्नामेंट होने वाला है। पर रेमन कहता है कि मैं ये टूर्नामेंट कई बार जीत चुका हूँ और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहता हूँ, न कि छोटे मोटे इंटरनेशनल मैचेस। और वो अपने एजेंट को उस चैंपियनशिप के लिए मना कर देता है। एक शाम डेबरा डांस कर रही होती है और फोर्सफुली रेमन को भी डांस करने के लिए कहती है। रेमन उसे ऐसे डांस करते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रहे थे। डेबरा बोलती है कि कोई भी नहीं। रेमन उसे इंसिस्ट करता है बताने के लिए, तब डेबरा कहती है कि सारे के सारे घटिया थे और तुम उन सबको हरा चुके थे, जिसका मतलब था डेबरा के सारे एक्सेस भी बॉक्सर थे। ये बात रेमन को बहुत अजीब लगती है। बहुत वक्त बीत चुका था और रेमन अपनी फैमिली से नहीं मिला था। एक दिन वो अपने बेटे से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन तभी स्कूल अथॉरिटी कॉल करके उसकी वाइफ करीना को बुला लेती है। करीना अब उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी और वो बच्चों को लेकर इटली शिफ्ट होने वाली थी। रेमन का ट्रेनर भी करीना के साथ था। वो अपने ट्रेनर से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मेरी वाइफ के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो। रेमन अपनी फैमिली को खो चुका था, धीरे धीरे उसका करियर भी बर्बाद हो रहा था, क्योंकि उसे कोई फाइट नहीं मिल रही थी। तो वो अपने एजेंट को कॉल लगाता है, उस टूर्नामेंट के लिए हाँ कहता है जिसके लिए उसने पहले मना कर दिया था। साथ ही वो अपने एजेंट के सामने एक शर्त रखता है कि मेरी फाइट से पहले डेबरा की भी फाइट होगी। रेमन चाहता था कि डेबरा भी सक्सेसफुल हो। फाइट का डे आता है। डेबरा अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए जीत जाती है, जिससे रेमन और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब रेमन की बारी थी। रेमन की फाइट स्टार्ट होती है। उसका अपोनेंट उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। वो फर्स्ट राउंड हार जाता है। राउंड खत्म होने के बाद वो डेबरा को देखता है कि वो उसमें इंटरेस्ट ना लेते हुए एजेंट से बात करने में बिजी है। वो बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करता है, इस वजह से वो अपनी फाइट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसका अपोनेंट उसे पंच करता रहता है और एंड में वो रेमन के पेट में एक ऐसा पंच मारता है कि रेमन उठ नहीं पाता। वो इस फाइट में बुरी तरह हार जाता है। डेबरा रेमन के पास आकर पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, तुम हार कैसे गई। रेमन डेबरा से कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वो अपनी फैमिली खो चुका था, करियर भी उसका बर्बाद होने के कगार पर था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं खेल सकता था। फाइट के बाद उसका एजेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम चैंपियन हो और इस हार को ज्यादा सीरियसली मत लो। वो उसे फाइट के पूरे पैसे दे देता है। रात को डेबरा उसके एजेंट और बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी कर रही थी। रेमन वहाँ आ जाता है और जिसके साथ डेबरा डांस कर रही थी उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो डेबरा को अपने साथ ले आता है। डेबरा बहुत रो रही थी। रेमन डेबरा से कहता है कि हम अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि रेमन भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स के जैसे ही अब एक लूजर बन चुका था, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और उसे छोड़कर चली जाती है। अब रेमन अपने किए पे पछता रहा था, क्योंकि उसने जिसके लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, अपना करियर बर्बाद कर लिया, वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि रेमन उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो एक बहुत ही बड़ी चैंपियनशिप जीत चुका था। वो चाहता तो उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होती,
लेकिन थोड़ी ज़्यादा चाह में वो सब कुछ बर्बाद कर चुका था। हमें हमेशा हमारे पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा की चाह में सिर्फ बर्बादी हाथ लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।